जिले का है, जहां कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट आने के बाद एएनएम व अन्य स्वास्थ्य कर्मी जब मौके पर सर्वे करने और लोगों को क्वारंटीन करने के लिए पहुंचे तो विशेष संप्रदाय के लोग ने उनके ऊपर थूका और उन्हें अपमानित भी किया, जिसके बाद उन्हें वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ा। फिलहाल जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका चेयरमैन व बीजेपी के नेता ने मुख्यमंत्री को मामले में सख्त कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की है। नहीं ऊपर से किसी ने, लेडीज ने, पता नहीं चला भी बच्चा था या लेडीज थी, ऊपर से थूक दिया था उन लोगों ने। हाँ, और कुछ लोगों ने नाम वाम बताने के लिए भी मना कर दिया था। जहाँ जैसे आप ये घटना जो बता रहे हैं वहाँ मैं खुद मौजूद था, और जो ये अपशब्द वाली बात है वो तो ऐसा मेरे सामने की बात थी, ऐसा कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना कोई किसी अपशब्द कहे गए। और रही बात थूकने की, जो मेरे सामने की बात है तो मैं ये जानता हूँ कि वहाँ से किसी बच्चे ने, जो एक 5 साल का बताया गया था, उसने पानी गिराया या थूका मैं ये नहीं कह सकता, पर उसके बाद उस चीज़ की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी कि कोई जहाँ विरोध हुआ हो या कैसी भी चीज़ें, तो ये चीज़ें गलत हैं। ऐसे हम इस गली में यहाँ से पठानकोट की जो है आयशा मस्जिद पे, इसमें क्वारंटाइन करने के लिए आए थे, जैसे ही क्वारंटाइन करने के लगे तो अंदर से बच्चे थूक रहे हैं, लेडीज बदतमीजी कर रही हैं। क्या क्या किया ऐसे, कैसे हमें खाने को कैसे मिलेगा अगर तुम हमें घर बंद करके जाओगे, हमें हमारे घर पे ऐसे भिजवा दो, हम अंदर ही रहें। ट्रेनों में हो रही प्रवासी मजदूर